महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सबरीमाला मंदिर जाने के लिए शुक्रवार तड़के कोच्ची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई, लेकिन भगवान अयप्पा मंदिर में महावारी आयु वर्ग वाली महिलाओं के प्रवेश का विरोध कर रहे श्रद्धालुओं के प्रदर्शन के कारण वे घरेलू टर्मिनल से बाहर नहीं आ सकी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि देसाई और उनके साथियों को हवाई अड्डे से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, जिसके बाद वहां से तनाव उत्पन्न हो गया। तृप्ति देसाई पुणे से करीब तड़के 4:40 पर यहां पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर के अपने आदेश में भगवान अयप्पा मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई महिला दर्शन नहीं कर सकी है। हवाई अड्डे पर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि श्रद्धालु तृप्ति देसाई और उनके साथ आए दल को हवाई अड्डे से बाहर निकलकर सबरीमाला मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा। देसाई के साथ कथित तौर पर उनके 6 साथी भी आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृप्ति देसाई और उनकी टीम यहां दशकों से चल रही मंदिर की परंपरा का उल्लंघन करने आई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह यहां दर्शन करने नहीं बल्कि शनिवार से शुरू हो रही शांतिपूर्ण सबरीमाला तीर्थ यात्रा में बाधा डालने आई हैं। पुलिस अधिकारियों ने तृप्ति देसाई और प्रदर्शनकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी बात पर अड़े रहे। पुलिस अधिकार देसाई ने कहा कि वे भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन के बिना महाराष्ट्र वापस नहीं जाएंगे। हवाई अड्डे पर मौजूद टैक्सी चालकों ने कहा कि वे देसाई और उनकी टीम को हवाई अड्डे से बाहर नहीं ले जाएंगे। स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल पर मौजूद हैं। सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर शनिवार को 2 महीने तक चलने वाली पूजा के लिए फिर से खुलेगा। शनि शिंगणापुर मंदिर, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर और त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर समेत कई धार्मिक स्थानों पर महिलाओं को प्रवेश देने का अभियान का नेतृत्व करने वाली तृप्ति देसाई ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को ईमेल लिखकर सुरक्षा मांगी थी, क्योंकि उन्हें मंदिर जाने के दौरान हमले का डर था। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।